हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2024 प्योर ईवी की तरफ से आने वाली ई-ट्रेंस नियो प्लस, और आज हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं। ये ईवी स्कूटर 150 की रेंज देता है, तो आज एक्चुअल में देखेंगे कि यार ये ईवी स्कूटर कितनी रेंज निकालता है। तीन मोड्स इसमें आते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। इको में जो इसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है 150 किलोमीटर की, एंड नॉर्मल मोड जो है सेकेंड वाला मोड उसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है 125 की, एंड थर्ड जो है स्पोर्ट्स मोड उसकी कंपनी रेंज क्लेम करती है 100 किलोमीटर की। तीनों मोड्स पे चलाएंगे एंड देखेंगे ये ईवी स्कूटर क्या कुछ रेंज देता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। नए साल में ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो और इसको एक चॉइस रखा है तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लोकेशन से चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, निकल रहे हैं शोरूम से समाधान ऑटोमोबाइल्स इंदौर की डीलरशिप है। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे डाल दूंगा, कीज आप चेकआउट कर लो। पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्लस्टर पे भी कितनी क्या बैटरी शो हो रही है हमारा रेंज टेस्ट स्टार्ट करने के पहले ही। यहाँ पर आप देख लो, अभी ओडोमीटर पर अभी 73 किलोमीटर यहाँ पर दिख रहा है, बैटरी यहाँ पर फुल शो हो रही है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार प्योर ईवी की स्मार्ट BMS ऐप है जो आपको एक्चुअल बताती है कितनी आपकी बैटरी बची हुई है। तो यहाँ पर हम स्मार्ट BMS ऐप पर देख लेते हैं। आप देख सकते हो 97.9 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रेंज टेस्ट, 73 किलोमीटर्स चली है। अब देखते हैं कंपनी 150 की रेंज क्लेम करती है कितनी चलती है। तीनों ही मोड्स पर चला के देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पर 97.9 है, 1 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। थोड़े थोड़े इंटरवल्स में बताते रहूँगा, बिकॉज 150 किलोमीटर में इतने जल्दी जल्दी बताऊँ तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के इंटरवल में आपको शेयर करते रहूँगा और तीनों मोड्स पर मैं चलाने का ट्राई करूँगा। 73 किलोमीटर पर स्टार्ट करा था, 83 किलोमीटर्स यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब हमने 10 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए। सेकेंड मोड पर मैं चला रहा हूँ अभी। हमारे यहाँ पर 20 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हो ओडोमीटर पर 93 किलोमीटर हो चुके हैं। बैटरी का अभी एक भी बार यहाँ पर कम नहीं हुआ है, अभी कांस्टेंट सेकंड मोड पे ही चला रहा हूँ, मिक्स चला रहा हूँ, मतलब कहीं फर्स्ट मोड डाल लेता हूँ। अब थोड़ा 10-15 किलोमीटर्स थर्ड मोड पे चलाने वाले हैं। और एक और खास बात यह कि आज मैं विद पिलियन टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे पिलियन भी बैठा हुआ है। और अगर आप इस स्कूटर को अप डाउन के पर्पज़ से कंसिडर करना चाह रहे हो, दो लोग 80-100 किलोमीटर्स भी अप डाउन करना चाह रहे हो, 50 जाना 50 आना या 60 जाना 60 आना, तो ये स्कूटर कैसी चॉइस रहने वाली है आज का पूरा रेंज टेस्ट होने के बाद ही मैं वर्डिक्ट दूंगा, क्या रेंज आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी नो डाउट यार, ऐसे हाईवे पे चलाने में तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है स्कूटर का। 113 किलोमीटर्स यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर में चला चुका हूँ। अभी थोड़ा सिटी रन में आए थे कि सिटी ट्रैफिक में भी थोड़ी चला ली जाए। नो डाउट यार, गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। 40 किलोमीटर्स कब कंप्लीट हो गए पता नहीं चला, और अभी बार सिर्फ एक ही कम हुआ है। अब देखते हैं कितनी क्या टोटल रेंज ये स्कूटर प्रोवाइड करता है। सो गाइज, 123 किलोमीटर्स हो चुके हैं, 73 पे स्टार्ट करा था, मतलब अराउंड 50 किलोमीटर्स कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। और 6 बार रहते हैं बैटरी के, सिर्फ 2 ही बार कम हुए, 4 बार यहाँ पर अभी भी बचे हुए हैं। लेट्स सी क्या कुछ गाड़ी रेंज देती है। ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकेंड मोड पर ही है, बट देखना आप कहीं भी अंडर पावर गाड़ी फील नहीं होगी। अभी हम यहाँ से चढ़ाएंगे, देखना कितने ईजिली चढ़ रही है। कौन से भी पैस से आप चलाओ, अब यहाँ पर हम मेन रोड पर चढ़ाने वाले हैं। लेट्स सी कितनी क्या पावर लगती है गाड़ी को। वैसे तो यार कहीं भी अंडर पावर फील नहीं हो रही, मतलब ईवी से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि ईवी अंडर पावर फील कराएगी। ये देखो रोड पे कितने इजीली चढ़ रही है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो 170 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हम चला चुके हैं। आधी हुई है बैटरी अभी, मतलब 3 बार कम हो गए, आधी बैटरी बची है। लेट्स सी कितना जाती है। 100 किलोमीटर्स तो चलने वाली है, 173 जैसे ही हो जाएंगे। 73 पे स्टार्ट करा था, 100 किलोमीटर्स यहाँ पर गाड़ी पूरे कंप्लीट करने वाली है। हालांकि स्मार्ट BMS ऐप पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, कभी कभी इनएक्यूरेट दिखाता है, तो एक बार स्मार्ट BMS ऐप पर आपको दिखा देता हूँ कितनी बैटरी बची है। सो देख सकते हो 41% बैटरी यहाँ पर बची है, 41.8 मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ओपन कर लिया है। बाकी यहाँ पर 4 बार 3-4 बार कम ज़्यादा हो रहा है, बाकी मेन आप ऐप पर देखोगे तो आपको एग्जैक्ट बता देगा। यहाँ पर ओडोमीटर पर 183 हो गया, मतलब हमने अराउंड 110 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर सिर्फ 2 बार दिखा रहा है।
बट ऐप में अराउंड 25-30% बैटरी और दिखा रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर तो कम से कम और चल जानी चाहिए। लेट्स सी कितनी और चलती है। अनबिलीवेबल गाइस, 213 किलोमीटर हमने चला लिए, काफ़ी कम बैटरी अब बची है, अब हम सीधे रूम के रूट पर रिटर्न जाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 14.5 बैटरी अभी दिखा रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर और चल जानी चाहिए। 73 पे स्टार्ट करा था, 213 किलोमीटर चला दिए, मतलब मोर देन 140 किलोमीटर हम राइड कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर 218 किलोमीटर ओडोमीटर पर हो चुके हैं, 73 पे स्टार्ट करा था, मतलब अभी ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। और गाइज अब मुझे वीडियो को एंड करना है, बिकॉज मैंने ऐप पे भी देख ली बैटरी ज़्यादा बची नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर एक बार ऐप पर। आज की पूरी टेस्ट भी विथ पिलियन था, यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्ट BMS ऐप पे 10.5% अभी यहाँ पर बैटरी शो कर रहा है। मेरे ख्याल से गाड़ी अभी 7-8 किलोमीटर और चल सकती है। कंपनी ने इसकी रेंज क्लेम करी है 150 किलोमीटर की, 73 से स्टार्ट करा है, 218 किलोमीटर हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट यार 145 की रेंज तो दे दी, बैटरी अभी भी बची। काफी शॉकिंग रिजल्ट रहा है, 145 किलोमीटर इस स्कूटर ने रेंज दे दी, बैटरी अभी भी बची हुई है। सो गाइस यार वीडियो को एंड करते, आई होप आपको ये आज का रेंज टेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट हो तो भेजिएगा कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।